स्टोरीज। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? अभी तक तो ठीक। आप लोग यहाँ पे अपने अगले इम्यूनिटी टास्क के लिए, इम्यूनिटी कितनी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए? बहुत ज्यादा। वही है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चार जब आप यहाँ पे आ रहे थे, क्या चल रहा था दिमाग में? शायद क्रोकोडाइल का हुआ। जो तुम लोगों को प्रॉमिस किया हमने इतने टाइम से, अगर हम तुम्हारे वो नहीं देंगे तो यू विल बी अ लिटिल डिप्रेस्ड ना, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि यार हमारे को ये तुमने हेल डाउन अंडर में क्रोकोडाइल प्रॉमिस किया, क्रोकोडाइल नहीं दिखाया था। नहीं, प्रॉमिस नहीं किया मैं वैसे बात। तुम्हारा अगला इम्यूनिटी टास्क है, तुम्हें क्रोकोडाइल से सामना करना पड़ेगा। जैसे हमें उसने बोला क्रोकोडाइल, बहुत बुरी तरीके से डर गई क्योंकि मैंने क्रोकोडाइल को अपनी पूरी लाइफ में देखा ही नहीं। सब लोगों की दिल की धड़कनें टिक 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 एक्सेलरेट हो गई। आप लोग बहुत निडर हैं, किसी चीज से डर नहीं लगता, रोडीज हैं, कुछ भी सामने आ जाए उसको मतलब ओवर पावर कर देंगे, इसलिए उस पिट में एक क्रोकोडाइल नहीं दो है। जब उसने ये बताया कि एक नहीं वहां पर दो क्रॉक्स हैं तो और भी फट गई। आप बड़ी खुश हो रही है पालोमी, आप बचपन से क्रोकोडाइल के साथ पली बड़ी है। नहीं, वो वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस बोल के एक जगह है, तो वहाँ पे सब क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल वो सब है, तो मैं उधर गई हूँ कई बार। तो आपको लगता है कि आप एक तालमेल है क्रोकोडाइल्स से, बात कर सकती है उनके साथ, यू कैन रिलेट टू देम। लवली, टास्क बहुत सिंपल है। आप लोगों को क्रेन दिख रही है पीछे, उस क्रेन में एक हार्नेस है, उससे आपको मड पिट के अंदर लोअर कर देंगे। आपके पास 30 सेकंड का टाइम होगा और आपको उस 30 सेकंड के अंदर ये 5 चिप्स हैं अलग अलग कलर्स के, ये हमने पूरे पिट में अलग अलग जगह पे, कहीं पे गार्ड रखे हैं, कहीं पे फ्लैंक रखे हैं, कहीं पे लगे हुए हैं। आप लोगों को 30 सेकंड के अंदर जितने ज़्यादा चिप्स आप कलेक्ट कर सकते हैं आपके लिए बेटर होगा। हर चिप्स के अलग अलग पॉइंट्स हैं, अगर आप एक वाइट चिप लेकर आएंगे तो उसके 50 पॉइंट होंगे, उसके बाद ग्रीन 100 पॉइंट, उसके बाद आएगा रेड 150, उसके बाद ब्लू 200, या फिर ये ब्लैक जो सबसे मुश्किल है लेकिन सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग 300 पॉइंट। जाहिर सी बात है अगर इनके पॉइंट्स डिफरेंट है तो इनकी प्लेसमेंट भी डिफरेंट होगी। जो वाइट है आसानी से आपको दिख जाएंगे क्योंकि वाइट है, राइट? लेकिन जो ब्लैक है उनकी जो प्लेसमेंट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दो ब्लैक चिप्स जो एकदम क्लियरली विजिबल हैं वो क्रोकोडाइल्स की पूंछ पे लगे, पूंछ पे मतलब सामने दिख जाएंगे आपको। उधर तो 30 सेकंड ना आपको ढूंढने से अच्छा है जाओ उसके पूंछ से निकालो और कट लो। आपको खींचना खींच लेना, एक बात याद रखो कि जो क्रोकोडाइल्स दे लाइक टू बी टच्ड, उनकी पूंछ को अगर आप जब छेड़ोगे ऑब्वियसली दे वांट टू नो व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड देम। सूफी, डॉक्टर से हमने चेक किया, इस टास्क में वैसे भी आपको पूरे टाइम अपने हाथ और पांव पे होना है, खड़े होकर आप ये टास्क नहीं कर सकते। जब रणवीर जी ने कहा कि मैं परफॉर्म कर सकता हूँ तो कहीं ना कहीं एक ये लग रहा था कि मेरे नीज पे लगी हुई है तो शायद मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्रोकोडाइल का टास्क है तो ऑब्वियसली क्रोकोडाइल खुले ही होंगे, और अगर वो कुछ ऐसा हो जाए कि वो एकदम अटैक के लिए आए तो मैं भागूंगा कैसे? एक और बात, आप लोग बहुत चुस्त और बहुत दुरुस्त हैं, बहुत फास्ट और जाइल हैं, हमने उस वजह से ज़्यादा बड़े क्रोकोडाइल्स नहीं लाए क्योंकि बड़े क्रोकोडाइल्स को बहुत टाइम लगता है टर्न अराउंड करने में। हमारे पास तो छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स हैं जो बहुत ही फास्ट और जाइल हैं, लेकिन उनके साइज में मत जाइएगा, उनका एक बाइट एक टाइम पे आपकी टांग या हाथ लेके जा सकता है। इस टास्क में सिर्फ एक रोडी इम्यूनिटी जीतेगा या जीतेगी, उस रोडी के मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे। कि 6 में से सिर्फ एक को इम्यूनिटी मिलने वाला है, तो ये सोच के हम लोग की हवा उड़ गई, हम लोग का बत्ती गुल हो गया, थोड़ा सा टेंशन हो रहा था कि कोई भी घर जा सकता है। कैसा लग रहा है टास्क सुन के? वेरी डेंजरस लग रहा है। टू वेरी डेंजरस, या इसीलिए आपका माउंटेन ड्यू टास्क है। रेडी? या कैप्टन कौन है? कैप्टन आप डिसाइड करेंगे इस पूरे टास्क का ऑर्डर, कौन सबसे पहले जाएगा, कौन सबसे लास्ट में जाएगा, कौन बीच में जाएगा। मैं आज कैप्टन था तो ऑब्वियसली जब कैप्टन कोई बनता है थोड़ा बहुत फायदा तो उठाएगा ही। सबसे पहले जाएंगे पलक। क्यों? क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग है तो हमें पता चल जाएगा कि कितना करेज मिलना है और कैसे करना है, थोड़ा बहुत आइडिया रफली मिल जाएगा। रियली? सम्राट स्ट्रांग नहीं पलक से ज़्यादा? सम्राट भी स्ट्रांग है लेकिन मैं सोचता हूँ कि पलक लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट, वाह यार, चिवलरी इज नॉट डेड, जहाँ पे खतरा देखा वहाँ पे लड़की को आगे कर दिया। जो उसने मेरा नाम पहले लिया उसका मेन रीजन था उसकी लैला को जो मैंने वोट आउट किया, तो उसको ऑब्वियसली मेरे से बदला लेना था। ऑब्वियसली मेरा एक ये प्लान था कि अगर पलक पहले गई, डर पहले जाने वाले को ज़्यादा रहेगा तो वो थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगी। उसके बाद जाएगा सम्राट। पलक और सम्राट अपने आप को भाई बहन कहते हैं, तो मैंने सोचा कि दोनों भाई बहन को साथ में एक इकट्ठे क्रोकोडाइल के पास भेज दो। सम्राट के बाद मैं जाऊँगा। आप जाएंगे। उसके बाद सूफी, फिर नताशा, और लास्ट में बॉलन। बेस्ट लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स। बी केयरफुल। कम ऑन, गेट रेडी।
मेरा मौका था टास्क करने के लिए। मैं यही सोचा था कि जितने सारे कॉइन मिल सके, एक ही मौका है, अपना जान लगा देना है। मैंने देखा कि एक क्रोकोडाइल जो था ज़्यादा अग्रेसिव हो गया, तो मैंने ये सोचा कि उससे थोड़ा दूर रहना है और जितने कॉइन्स मिल सके मिल जाएं तो अच्छे। Ready? Your time starts now. मैंने जब मड पिट में हाथ यहाँ वहाँ मारे, मैं देखा नहीं कि मैं कौन सा कलर उठा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली कलर दे के उठाने से कोई मतलब नहीं, जो भी हाथ में आ रहे थे वो उठाना था। मेरे लक से, मेरे एफर्ट से बहुत ज़्यादा कॉइन्स हाथ में आ गए थे, उससे उसके साथ बहुत ज़्यादा मट्टी भी। 20 सेकंड, वेरी गुड, अरे मेरे लिए छोड़ दिया मेरे भाई। 5, 4, रमेश जी का काउंट डाउन चला था और सोचा कि ये टाइम है कि जैकपॉट लगाने का। 3, 2, 1, 0, टाइम अप। क्रोकोडाइल बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया, अपना सर और टेल 2-3 बार हिलाया बहुत जोर से, तो उसके शॉट से मेरा हाथ में से जो भी कॉइन थे सब गिर गए। थैंक गॉड, इस बंदे के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। उसने ऑलरेडी 5-6 गोटी गैदर कर लेने की बात वो हीरोगिरी दिखाने के लिए वो क्रोकोडाइल्स में जाके उसका पूछ खींचने का उसको क्या जरूरत। कैसा लगा टास्क? मजा आया? बहुत। Are you guys feeling the hell in down under? Yeah. लग रहा है रोडीज के टास्क कर रहे हो, मजे आ रहे हैं ना? All right, आप लोगों के स्कोर्स मेरे पास हैं। पलक, आपने टोटल 3 चिप्स उठाए थे, उनमें से 2 काली थी और 1 रेड। तो आपका स्कोर है 750। आप गए, आपने काफी कुछ इकट्ठा किया, जब उसने झपट्टा मारा तो आप डर गए और आपने सब गिरा दिए, लेकिन आपके हाथ में फिर भी 1 था और वो लाल था, तो आपका स्कोर है 150। नताशा, आपने बहुत अच्छा किया, 4 green, 2 white और 1 blue, टोटल 700। Follow me, 1 red। बस जब रणवीर जी ने बोला कि पॉलमी ने 150 पॉइंट्स कमाया, तो मेरे को तो लिटरली हंसी आ रही थी उसके ऊपर कि कितना बड़ा बड़ा बात करती है वो। सम्राट जी, आपने सिर्फ उसकी पूंछ में से निकाले टोकन्स, उसमें 3 ब्लैक थे। वेल डन, 900 पॉइंट्स उनके काफी ज्यादा लगा, और मैं सोचा कि सम्राट का ये पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा, और आज इसको इम्यूनिटी मिल गई, काफी डेंजरस सिचुएशन होने वाला है। सूफी, 3 white, 3 green, 3 blue और 3 ब्लैक। और आपका टोटल स्कोर है 1950। बहुत खुशी हुई, क्योंकि चैन की सांस बोलते हैं ना कि हाँ, कम से कम इस वोट आउट में तो मैं नहीं जा रहा। सुफी, कांग्रेचुलेशंस, आपके पास इम्यूनिटी है, बाकी 5 में से 1 वापस घर जाने वाला है बहुत जल्द। आई एम गोना सी आवर द वोट आउट व्हिच इज गोना बी वेरी सून।